कोरोना संक्रमण को प्रवाही कराने के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने गीता प्रेस, शेखपुर, हावर्ड, बंधा सहित अन्य क्षेत्रों का भ्रमण किया और उस क्षेत्र से बाहर से आए प्रवासियों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली तथा जीरो प्वाइंट कालेश्वर पर जाकर बसों के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था का निरीक्षण लिया। इस मौके पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने कहा कि कोई भी श्रमिक पैदल अथवा ट्रक पर ना जाए, सभी के लिए जलपान सहित अन्य व्यवस्थाओं का उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को जलपान के बाद ही बसों में उनके गंतव्य को भेजा जाए जिससे किसी को कोई दिक्कत ना होने पाए। ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है? नहीं नहीं, आपकी डायबिटीज कंट्रोल है? हाँ, कर दवा आप वो लेते रहिएगा दवा, कोई भी दिक्कत हो तो देखिए जरूर नंबर। हाँ, नंबर क्या उम्र है आपका भाई साहब का? ये 37। आपको उम्र क्या है? 60। थोड़ा मतलब कोई काम करते हैं? डायबिटिक तो नहीं है? डायबिटिक है। अब सभी घर पे रहिए, कोरोना का कोई इलाज नहीं है। बाहर से यदि कोई व्यक्ति आया तो अपने परिचय बता दें, मुंबई से, दिल्ली से, कहीं बाहर से, सूरत से आए हैं तो अपने परिचय बता दें, आपका चेक हो जाएगा। कोरोना का कोई इलाज नहीं है अभी हम लोगों के पास। हाँ सर, भाई साहब कराए थे क्या? हाँ, वहाँ से हम लोग पैंतीस हजार रुपया। सुरक्षित आए वहाँ तो?